Hi everyone, this is Hani Amir, and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. हम चाहते हैं कि आप अपनी फूफी से कहिए कि वो और इज़ा अल्तमिश से दूर रहें। आप अपनी फूफी से कह दीजिए कि अगर नशवा और अल्तमिश के रास्ते में इज़ा आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, समझ नहीं आते आपको? आप हमसे कैसे बात कर रहे हैं? हम आपकी माँ हैं। इसीलिए तो तमीज से बात कर रहा हूँ। गज़नफर, आपकी इनिंग्स खत्म हो गई है अम्मी जान। आप तो ऐसे बात करें जैसे मेरे और आपके बीच में कुछ है। मेरे आपके बीच में ना कुछ है और ना कुछ हो सकता है। आप प्लीज अपना आइंदा से मुझे कॉल कीजिएगा ना टेक्स्ट कीजिएगा। अब आप इसे बदला समझें या अल्तमिश की मोहब्बत? आपने तो अरीश की शादी पे बुलाया नहीं, लेकिन मैं जरूर बुलाऊंगी इज़ा और अल्तमिश की शादी पर। मैंने आज तुम्हारा पीछा किया। आपने मेरा पीछा किया? लेकिन क्यों? अगर आपको ऐसा मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे इज़ा के बारे में बात करने आई हूँ। प्लीज उसे कहो वो भाई का पीछा छोड़ दे। मैंने उसे बात की थी, वो कह रही थी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भाई के ड्राइवर से कुछ काम था, पता चला कि फोन से मिलने आती रही है। Are you sure? देखो दानी, मेरे लिए एक महाज पे लड़ना बहुत मुश्किल है। दो तरफ से अटैक होगा तो मैं किस तरह संभालूंगी? I'm sorry, मैं बात करूंगी इज़ा से। लेकिन तुम्हें लगता है अल्तमिश शादी करेगा नशवा से? इज़ा उन्हें छोड़ेगी तो कुछ होगा ना। Anyways, मैं चलती हूँ। नहीं, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। नहीं, अच्छा सुनो, अरीश को ना बच्चे बहुत पसंद है। कोई मुआवजा नहीं कर सकती मैं। हेलो, क्या बेहूद गया ये? दानी, क्या क्या करी है? तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया? कुछ नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें। क्या बताती हूँ भाई, घर वालों में जाके बताओ तुम ये सब। छोड़ दो प्लीज। क्यों क्यों छोड़ दूँ मैं? और तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस खेत की मूली हो तुम? वो मैं बाजी। बाजी होगी तेरी माँ, इसको बोलो ना बाजी। जूस पी रहे एक दो स्ट्रॉ से एक ग्लास में, क्या है तुम्हें? आराम से दानी, मेरा दोस्त। दोस्त है? दोस्त है? घर वालों को जाके बताओ ना दोस्त है ये। अब्बा के सामने जाके बोले दोस्त है मेरा। चलो यहाँ से। और तुम आज के बाद नजर नहीं आना मुझे, हड्डी पसली एक कर दूंगी। पागल सा, चलो यहाँ से। तुम समझाओगी मुझे ये सब क्या चल रहा है? हाँ, अब ये मत कहना कि वो तुम्हें पसंद है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं, मुझे जवाब दे नहीं, लेकिन अपने अम्मी अब्बू को तो हो ना। आनिया, मैं तुम्हें जरा तस्वीरें भेजती हूँ इसकी, दिखाना है इसके पेरेंट्स को। मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ। तुम्हें पता नहीं ये लोग तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं अल्तमिश से। अगर आनिया ने अल्तमिश को बता दिया तो फिर क्या होगा पता है तुम्हें? ये नहीं बताई तुम्हारी बात वो कभी मानेंगे नहीं। क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि इसकी तो अपनी शादी मुश्किल में है ना। सही बात है, बहुत तेज हो भाई तुम, पूरी गेम खेलने आती है, सारे तरीके पता है तुम्हें। और आनिया बताएगी नहीं, वो तो चाहती है ना अल्तमिश तुम्हारी शादी हो जाए, अरीश की मोहब्बत जीतना चाहती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने फायदे के लिए अपने भाई का नुकसान नहीं करूंगी, मैं खुद करूंगी इसकी शिकायत। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में ना जरा सी भी शर्म नहीं है। यही एक तरीका तुम्हें सबक सिखाने का। लेके जाओ उसे, अंदर बैठो, लेके जाओ उसे। सॉरी आनिया, मैं उसके सामने नहीं कहना चाहती थी। मुझे एहसास है अपनी गलती का, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
लेकिन अब तुम भी तो देखो, तुम दानियन से छुप छुप के मिलती हो, लेकिन मेरी शिकायत करोगी तो क्या उनको ये बात नहीं पता चलेगी? चल जाए पता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रही हो, तुम भी फंसोगी और मैं भी फंसूंगी, कोई फायदा नहीं होगा। होगा फायदा, तुम सुधर जाओगी। देखो आनिया, तुम भले अपने भाई की शादी मुझसे ना करो, कि मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आईने ऐसे कभी नहीं करूँ। प्लीज आनिया मान जाओ, प्लीज। तानी तो मैं उल्टे सीधे मशवरे देती हूँ और तुम उसकी बातों में आ जाती। और वैसे भी अरीश तानी को नहीं भूलने वाला। डोंट वरी, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। नहीं निकाल सकती, सवाए इसके कि तुम अरीश भाई का दिल बुरा कर दो दानीन की तरफ से। क्या कहूं कि तुम नहीं दानीन मिलने गई थी किसी से और हमने उसे पकड़ा है? यार ये तो वो कभी नहीं मानने वाले। हाँ उससे ये कह दो कि शिकायत कर दे। उससे क्या होगा? उससे हम सबके मसले हल हो जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आज़म, मैंने बुलाया उसे, मैं चाह रही थी कि कुछ बातें क्लियर हो जाएं। दरअसल वो महफिल में आप मेरी बेटी को मैसेजेस कर रहे थे ना, जिससे हमारे ख़ानदान में कुछ बातें हो रही हैं। हम ख़ानदानी लोग हैं, इज्जत वाले हैं। मैं सोच रही थी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, हम बात पक्की कर लेते हैं। हम आप क्या कह रही हैं? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम चुप रहो, मैंने बुलाया। आप हंस रहे हैं? नहीं जी, मुझे इस सिचुएशन पे हंसी आ रही है। I'm pretty sure इनका ये मतलब नहीं था। देखिए बेटा, I'm sorry, आपको यहाँ आने की सहमत हुई, हम आपस में बात करके आपको बता देंगे। जी बेहतर, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बेवकूफ नहीं हूं आजम, जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। आपने इज़ा की बेइज्जती की है, वो भी सबके सामने, और आप कह रही हैं आप जानती हैं? इज़ा की बेइज्जती वैसे ही हो रही थी, मैं तो संभालने की कोशिश कर रही हूं। इस तरह आपने मुझसे मशवरा किया इतनी बड़ी बात करने से पहले? ठीक है, मैं मानती हूं मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यही बेहतर है। क्या हो गया नाजी, आप पागल हो गई हैं? आप कैसे किसी शख्स से कह सकती हैं कि क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मैसेज किया है उससे शादी कर लो? ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अल्तमश है, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। हमारी बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता नहीं होगा। ना आए, भले ही मेरी बेटी कुंवारी रहे, लेकिन मैं उस लड़के से इज़ा की शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? लड़का तो मान गया है, आप क्यों अकड़ रहे हैं? राजी हो गया है? वो हम पे हंस रहा था, इज़ा का मजाक बनाया है आपने। एक दफा शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। मैं अल्तमस से इज़ा की शादी नहीं होने दूंगा। फिर वही बात, क्यों नहीं होने देंगे? हमारे अपने खानदान का लड़का है, हमने अपनी बेटी की शादी करेंगे तो वो निष्फा की कर देंगे। तो इसलिए आप चाहते हैं कि इज़ा की शादी उससे हो जाए? देखें, यह हर तरह से हमारी जीत है, और मैंने पता करवाया है अल्तमश बहुत अच्छा लड़का है। मेरी बेटी आपके गेम का कोई मोहरा नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं इज़ा को लेके यहां से चला जाऊंगा। कहां जाएंगे? वापस अपने घर। आप घर वापस नहीं जा सकते, तो ये बातें मत करें। अभी आप गुस्से में हैं, कल सुबह बात करेंगे।
हम इस पे दोबारा कोई बात नहीं करेंगे, और अगर आप समझती हैं कि मैं नहीं जा सकता तो ये आपकी खाम ख्याली है। साथ दिया आपने मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। आजम, ये आप क्या अजीब बातें कर रहे हैं? इजा, आजम, इजा बेटा सुने तो एक। इजा, अब आप मुझे माफ करते हैं, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, हम सब करते हैं, लेकिन एक गलती को ठीक करने के लिए हमें गलतियों पे गलतियां नहीं करनी है। चलो मेरे साथ। कहाँ चले? ये कहीं नहीं जा रहे, उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है ऐसे बोल रहे। आप चलिए मेरे साथ। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने घर वापस जाएंगे। तुमने मेरा फैसला सुन लिया है ना? इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? ये इतनी सी बात नहीं है। जब से हम यहाँ आए मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? किस चीज की कमी है आपको यहाँ पर? हाँ हाँ, हर चीज है यहाँ, हर चीज है सिवाय तुम्हारे। ओ, मैं आपको अटेंशन नहीं दे पा रही, इसलिए आप गुस्सा कर रहे हैं। नहीं नाजिया, तुम अब हो ही नहीं। मेरी बीवी, जिससे मैंने शादी की थी, जिसके साथ मैं कई साल रहा, वो अब नहीं रही। और तुम जो कोई भी हो, मुझे कबूल नहीं हो। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकता। कबीर, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। जरूर आपको इसने भड़काया है। मुझे किसी ने नहीं भड़काया, तुम्हारी बात ने मुझसे ये फैसला करवाया। मैंने कोई गलत बात नहीं की, आपको मेरी समझ नहीं आ रही। आप ज्यादातर घर में रहते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है दुनिया में कैसे रहा जाता है। That's it! बहुत हो गया। मेरी अकल कोई घुटनों में नहीं है जो मेरी टांगों के साथ चली जाए। जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और जो सही समझता हूं वही करूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज़ उस इंसान से नहीं करूंगा, चाहे तुम्हें तुम्हारे खेल में मात ही क्यों ना हो। चलो इज़ा बेटा। इतने दिनों से अल्तमिश नहीं आया, तुम इसके बारे में कुछ कर रही हो? मैंने 2-3 बार फोन किया है उसे, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। यानी कि तुम इस मामले में कुछ नहीं करोगी, भले वो उस लड़की से शादी कर ले। अपनी बेटी के बारे में ख्याल है तुम्हें? इतना तो समझाती हूँ मैं उसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। क्या मतलब है इंटरेस्टेड नहीं है? शी गॉन मैड? कहाँ रहती है वो आजकल? आ गई। कहाँ रहती हो तुम आजकल, नजर नहीं आती। क्लासेस होती हैं डैडी, कभी कभी देर हो जाती होती है। कभी कभी नहीं, काफी बार लेट हुई हो तुम। कल से तुम्हारी सारी क्लासेस बंद, घर पे रहोगी तुम। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, समझ गई? अपनी माँ के साथ जाओगी तुम अल्तमिश के घर, उसे इनवाइट करने। वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरी तरफ देखते तक नहीं है, क्या फायदा? इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम्हारी कल से क्लासेस बंद, उस पर तवज्जो दो। आजकल वैसे भी अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं, सुन रही है ना अम्मी जान? आप अच्छे रिश्ते अल्लाह के हाथ में होते हैं। आनिया नहीं राजी होगी। आनिया से पूछ कौन रहा है? उसके भाई से तो पूछेंगे ना। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अरे कुछ नहीं छुपा रही, क्या हो गया आपको? तुम उसकी वकालत मत करो, हर मुमकिन कोशिश करो इस रिश्ते के लिए, समझ गई? कजन फर, रुकिए, हमने आपसे बात करनी। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी अम्मी जान, आप कहीं नहीं जा रही, यहीं पे रुकेंगी। नाजिया की बकवास के बाद आप फिर वहां जाना चाहेंगी? हर पॉसिबल कोशिश करें इस रिश्ते के लिए।
घर पहुंच गए? जी पहुंच गई थी। काफी दिनों से घर में सफाई नहीं हुई ना? मैंने चादर तो निकाल ली अलमारी से। अच्छा किया। और खाना? उसका भी इंतजाम कर लिया है। तुम्हें मुश्किल तो नहीं होगी? तुमने पहले कभी ये सब किया नहीं ना? अम्मा जब करना पड़ता है ना तो कर लेता है इंसान, आप फिक्र ना करें, हो जाएगा सब। तुम्हारे बाबा को बड़े घर बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, इसलिए इतना परेशान हो के खुद तो गए तुम्हें भी ले गए। मैंने मना नहीं किया, उनको मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे बगैर। जी है तो। अल्तमिश बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे लड़के नसीबों वालों को मिलते हैं। लेकिन तुम्हारे बाबा इस बात को समझते ही नहीं है। जहां मैं जाती हूँ सिर्फ उसकी तारीफ सुनती हूँ। तुम्हारी दोस्ती तो है ना उसके साथ? नहीं अम्मा, मेरी कोई दोस्ती नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातचीत थी, अब वो भी खत्म हो गई है। क्यों? अगर तुम उसे मिलोगे नहीं तो समझोगे कैसे? बातचीत तो जरूरी है ना। अम्मा जब बाबा को ही नहीं पसंद तो मैं क्यों बात करूं? तुम्हारे बाबा को दुनिया का कुछ भी नहीं पता। उनका पास चले तो अपने जैसा ही कोई तुम्हारे लिए ढूंढ ले। मुझे मेरे बाबा जैसा ही कोई चाहिए अम्मा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही तो नहीं मैंने सारी जिंदगी उनके साथ गुजार ली। लेकिन बेटा शादी के लिए और भी बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। खाते पीते घराने का लड़का होगा ना तो मुश्किल कम होगी, और इस लिहाज से तो अल्तमिश परफेक्ट है, उसे ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। अम्मी मुझे शादी ही नहीं करनी अभी, तो फिर क्या फायदा इस बात का? अच्छा चलें, मुझे वैसे भी काम है थोड़ा, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आई, मुझे आपसे नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि मिलने का कोई रीजन नहीं है। हमारा तो रिश्ता तय हो गया, अब तो रीजन बनता है। देखिए मेरी अम्मी ने बिल्कुल गलत हल ढूंढा इस बात का, और वैसे भी मेरे बाबा इस बात से एग्री नहीं करते। और आप? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, और ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। ऑलराइट, तो मछली वाली बात, तो अब आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। मतलब ये बात परेशान नहीं है कि मेरा सामना कैसे करेंगी? ये आप क्या बात कर रहे हैं? Yeah, I get it. अब आप embarrassed नहीं फील कर रही? ठीक है, मीटिंग कैंसिल करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मुझे अभी बाबा ने बताया वो दोनों चले गए हैं। कोई मेरी बात समझता ही नहीं है। तुम्हें पता है फुप्पो और गजनफर अलहदा हो रहे हैं? नहीं, ये कैसे हो गया? मैंने खुद देखा है। सोचो अगर ऐसा हो और अल्तमिश निशवा के बजाय मेरी बेटी शादी कर ले, मुंह की खाएंगे वो लोग। ये मौका अच्छा है बदला लेने का। तो आप बदला लेने के लिए इज़ा की शादी अल्तमिश से कराना चाहती हैं? ये बदला नहीं है, मैं अपनी बेटी का भला सोच रही हूँ, और अगर हमारी भलाई में उनको तकलीफ है मुझे कोई परवाह नहीं है। तो फिर इज़ा का ही सोचें, वो अल्तमिश को पसंद नहीं करती। अल्तमिश में क्या बुराई? अच्छा लड़का है, खूबसूरत है, खानदानी है। तुम इज़ा को समझाओ, शादी दिल से नहीं होती, दिमाग से होती है। मैं तो समझती थी कि आप पसंद की शादी के हक में होंगी। हाँ लेकिन मैंने बहुत मुश्किल उठाई है
और आज तक उठा रही हूँ, इसीलिए मैं चाहूंगी कि इज़ा की शादी सोच समझ के हो। तो आप एग्जैक्टली वही करना चाहती हैं इज़ा के साथ जो गजनफर चचा ने और दादी ने अरीश के साथ किया? अरे नहीं, अरीश तो तुमसे मोहब्बत करता था, इज़ा तो किसी को भी पसंद नहीं करती। और अगर चाहती हो तो? हमें तो नहीं पता ना, क्या पता अपने कजन कबीर को ही चाहती हो। फजूल की बातें मत करो, बस एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी सास को ये मत पता चले कि आजम यहाँ से चले गए। सब कहते हैं कि मैं हूँ, लेकिन अल्लाह ना करे कि मैं आप जैसी हूँ। इज़ा को और पापा को जाके समझाओ कि ये फजूल की जिद छोड़ दें और वापस आ जाएं। अरे ये क्या, मैं ले आती, कब लाए ये सब आप? अभी अभी, घर में कुछ खाने को भी तो होना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात, मैं भी तो घर का फर्द ही हूं ना। और अब तुम ठीक हो? अब ठीक हूँ। तो असल में ये चक्कर था। I'm sorry, मैं वो कुछ बता नहीं सकती थी तब। नहीं नहीं ठीक है, बहुत गहरी दोस्ती लगती है तुम दोनों की। नहीं दुश्मनी है, लेकिन उस वक्त दोस्ती होने लगी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने थोड़ी देर के लिए अमन का सफेद झंडा लहरा दिया। और फिर? और फिर खत्म। अफसोस हो रहा है इस बात का? नहीं, अब्बा ने मना कर दिया तो कर दिया। और अगर वो मना ना करते तो? तो फिर भी नहीं, वो बहुत अजीब शख्स है, उसे कोई भी बात नहीं कर सकता। बहुत समझता है वो अपने आप को, बड़े पैसे हैं, अल्लाह का शुक्र है मुझे तो कभी इतने पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें तो पता है ना, तुम दुनिया की पहली बंदी होगी जो ये बात कर रही है। आपको नहीं पता, पैसा हर मसले की जड़ है। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उससे, पैसा ना हो तो आप देखेंगे कोई मसले भी ना। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि पैसा कितनी बड़ी नेमत है। मुझे पता है, लेकिन पैसे से बड़ा बवाल भी तो कोई नहीं है ना। हमारे यहाँ तो पैसा आते ही सब खत्म हो गया। I'm sorry, बाबा। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। अपने तौर पे सारे फैसले कर लिए और तुमसे पूछा तक नहीं। तुम्हें यहाँ लाने से पहले मुझे पूछना चाहिए था। नहीं अब्बा, आप तो मुझे मेरे लिए लाए ना, मेरे लिए इतना स्टैंड लिया, तो फिर मैं कैसे ना आती? तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी, मुझे यकीन है, नहीं रह पाएंगी वो आपके बगैर। पता नहीं। मुझे पता है, आपसे पूछ पूछ के तो वो बाल तक बनाती हैं। कभी खोल लूं, बंद रखूं। अब नहीं, अब वो मसरूफ हो गई। तुमने सही कहा था ना कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल भी नहीं बाप, वो मेरे टाइप का है ही नहीं, और वैसे भी मुझे भी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। शादी बात की बात है। क्या करना चाहती हो? कुछ भी, मुझे आगे बढ़ना है, सोसाइटी के लिए कारामद होना है। करो बेटा, जरूर करो, कम से कम तुम्हें रोकने वाला तो कोई नहीं होगा। प्लीज कुछ लो ना। नहीं जी थैंक यू, मैं बेवक्त नहीं खाता। तुम्हें बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि एकदम तुम्हें दोबारा बुला लिया। दरअसल शर्म आ रही है कहते हुए, हमारी पिछली मुलाकात पे जो बातें हुई थी वो आजम को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। वो इज़ा को लेके यहाँ से चले गए। कहाँ? हमारे पुराने घर,
अब आप बताएं, क्या माँ की हैसियत से मेरा हक नहीं है मैं आपसे पूछूं मैंने क्या गलत किया? नहीं, मैं भी यही समझती हूँ, लेकिन कोई समझता ही नहीं। मुझे शौक नहीं कि आपकी शादी हो मेरी बेटी के साथ, लेकिन अब ये बात हो चुकी है और आप भी इंटरेस्टेड हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे ख्याल से अभी इस बात को रहने दीजिए, कुछ अरसे में जब सब लोग भूल जाएंगे तो तब देखते हैं क्या करना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं भूलता, मेरा बदला उतार रहे हैं वो दानीन के साथ। 25 साल पहले की बात वो अभी तक नहीं भूले। मैं नहीं चाहती कि ऐसा के साथ वो हो जो मेरे साथ हुआ। तो इसलिए आप चाहती हैं कि मेरी और ऐसा की शादी हो जाए? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप दोनों खुश रहें। माना कि अगर मेरी कोई गलती भी है, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों को कोई फर्क पड़े उससे। आप ऐसा से मिलते रहें। बेहतर, मैं कोशिश करूंगा ऐसा से मिलने की। कब? जल्द। मेरे ख्याल से अभी मुझे चलना चाहिए। इजाजत है? बिल्कुल। थैंक यू फॉर कमिंग। मैंने तुम्हें कहा था ना कॉल मत करना। कब तक नहीं करूं यार, तुम मुझे बहुत याद आ रही थी। एक तो तुम्हें ना बहुत जल्दी है, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है यहां से निकलने की। एक तो लोगों ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया है। अब क्या होगा अगर तुम नहीं तो? आ जाऊंगी, एक बार पैसों का इंतजाम तो हो जाए। अच्छा सुनो, मुझे ना डैडी के पास जाना है, बाद में बात करती हूं। ओके। आज गई थी अल्तमश की तरफ? जी। तो क्या कहा उसने? मना कर दिया उसने, कह रहा था मिलना होगा तो आनिया को बुला के मिल लूंगा। तुम्हें ये कहा उसने? पता आज कहां गया हुआ था वो? कहां? शेरगढ़। शेरगढ़ गया था वो। शमशेर नगर नहीं आ सकता, शेरगढ़ जा सकता है। हमसे तो कहा कि बिजी है। और तुम सुन के आ गई? हाँ। तो क्या करती? वही करती जो नाजिया इजा के लिए कर सकती है। तुम वही नशवा के लिए नहीं कर सकती? मेरी बेटी शरीफ लड़की है। तो उसे भी शरीफ लड़की चाहिए। क्या वजह है कि नशवा पसंद नहीं है उसे? मुझे भी नहीं पसंद। क्या कहा तुम? अल्तमश पसंद नहीं है तुम? हाँ, कुछ खास नहीं लगते। कोई और पसंद है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। सोचना भी मत, समझे? यहीं पे गाड़ दूंगा। अल्लाह माफ करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी है क्या हमारी? इसीलिए तो कह रहा हूं, वरना कब का कर चुका होता। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं? शौकिया नहीं कर रहा हूँ क्या? आपको क्या लगा मैं आपके बगैर रह नहीं सकता इसलिए कॉल कर रहा हूँ आपको? मैं आपके बारे में सोचती ही नहीं। तो क्या सोचती हैं मेरे बारे में? आपको क्या लगा कि मैं आपको आपके लिए कॉल करूंगा? Anyway, आपको जो बात करनी है जल्दी जल्दी कीजिए, मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त। सही तरह बात कीजिए, मुझे एटीट्यूड की आदत नहीं है मिसेस। मुझे भी किसी के बार बार फोन आने की आदत नहीं है। वो तो नजर आ रहा है। क्या मतलब? आपको किसी ने कभी इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं है, इस वजह से आपको बात करने की तमीज नहीं है। आप समझते क्या अपने आपको? कितनी बार ये सवाल पूछेंगी मिसेज, अब तो आपको पता चल जाना चाहिए मैं अपने आपको क्या समझता हूँ। जिस तरह आपने मुझसे बात की है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा आपको बताने के लिए कि मेरी कॉल करने की वजह क्या थी। तो मैं कॉल नहीं करूँगा, आप करेंगे। ओके।
लेकिन मुझे लगता नहीं है मुझे कभी जरूरत पड़ेगी। देखते हैं। बाय। खुदा हाफिज। तुम्हारे अंकल बहुत नाराज है बेटा, तुम अल्तमश से कहो यहाँ आया करे। मैंने कहा था, वो माने ही नहीं। तो तुम उसे बताओ ना कि तुम्हें उसकी वजह से मुश्किल पेश आ रही है। वो भी बताया था, असल में अरीश से भी तो लड़ाई हो गई है ना उनकी। तो तुम अरीश से कहो ना कि अल्तमश से सुलह कर ले। लेकिन अरीश तुमसे भी बात नहीं करता ना, तुम्हारे बच्चे ही हो जाते, कम से कम तुम्हारे हालात ठीक हो जाते। बच्चे से मेरे हालात कैसे ठीक होते? लो, क्यों नहीं होंगे? ये बच्चे ही तो है जो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तुम उसके बच्चों की माँ होगी तो उसका झुकाव खुद ब खुद तुम्हारी तरफ होगा। लेकिन भाई तो आनिया से बात भी नहीं करता। यही बात तो समझ नहीं आ रही है, क्या करूं? ना उठ इस करवट बैठ रहा है ना उस करवट, और ऊपर से तुम्हारे अंकल का दबाव। बेटा तुम अल्तमश की बहन हो, उस पे दबाव डालो कि वो नशवा से शादी कर ले। मैं उन पे दबाव डालूं? लेकिन नशवा तो किसी और को पसंद करती है ना, मैं नहीं करती। ये डैडी से मरवाना चाहती है मुझे, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। मेरी बात सुनो तुम, मुझे ना कोई शौक नहीं तुम्हारे भाई से शादी करने का, मुझे वैसे इस तरह के लोग नहीं पसंद। लेकिन अगर तुम इस तरह की उल्टी सीधी बातें करोगी ना, तो तुम्हारा हशर भी अच्छा नहीं होने वाला। भाई तुम्हें तलाक दे देंगे, देख लेना तुम। अल्लाह ना करे निश्वा, कैसी बातें कर रही हो? चुप करके बैठो, ऐसी बातें नहीं करते। पापा काफी खामोश खामोश से रहते हैं आजकल। बहुत। अम्मी के बगैर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, उनके साथ भी नहीं लगता होगा। I can understand. मेरी बात हुई थी पप्पा से। मुझे पता है उन्होंने तुमसे क्या कहा होगा। प्लीज मुझे करने को मत कहना दानी। नहीं कहूंगी, नहीं कह रहे। तुम खुश तो हो ना सैफ भाई के साथ? हाँ, इतना बड़ा घर है, प्यार करने वाली सास है, किसी चीज की रोक टोक नहीं है। हर वो चीज है जिसकी एक लड़की तमन्ना कर सकती है, और जो नहीं है उसकी तुम तमन्ना भी नहीं कर सकती। फिजा, चची आई हैं? नहीं कबीर भाई, मेरी कजन आई है दानी। ओ, वो मैंने बारी बार गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा कि शायद। सलाम अलैकुम। चाय बनाऊं मैं आपके लिए? नहीं अभी नहीं, बाय द वे मैंने खाना ऑर्डर कर दिया तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं। क्यों, मैं बना देती, क्यों ऑर्डर किया आपने? तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत है, ऑर्डर कर दिया ना। अल्लाह कबीर भाई, आप भी ना। सुनो, तुम लोग को कोई चक्कर का चल रहा है क्या? नहीं तो देखो, झूठ मत बोलो। दानी तुम पागल हो क्या? मेरे भाइयों की तरह है। भाइयों की तरह है ना, भाई तो नहीं है ना। इतनी चीप औरत हो तुम। देखो मैं कोई चीप वीप नहीं हूँ, जो मैं देख रही हूँ वही कह रही हूँ। हेलो दानी, तुम्हें नशवा की बात करने के लिए आना पड़ेगा। तुम चाहती हो कि मैं वहां आऊं? हाँ। तुमने अभी तक नहीं बताया उनको? नहीं। और तुम चाहती हो कि मैं वहां आके सबसे ये बात कहूं? हाँ, मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। और मेरी सुन लेंगे? अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पक्का हो ना मेरे साथ? कहीं तुम मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर दोगी? नहीं, मैं तुम्हें डबल क्रॉस क्यों करूंगी? क्योंकि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों करोगी, और मुझे पता है तुम मुझे वहां क्यों बुला रही हो और वहां क्या होने वाला। देखो, अगर मेरे आने से तुम्हारे मसले हल होते हैं तो मैं आ जाऊंगी। दानी बताना तो पड़ेगा ना, नहीं बताएंगे तो। इट्स ओके, हामी भर लिया ना मैंने, अब तो तुम इतना बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आ चुकी। क्या हुआ?
कुछ नहीं, बस आनिया मुझे हरीश के आगे बुरा दिखाना चाहती है। तुम्हें कैसे पता ये? अब मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ ना, मैं बुरी बनूंगी हरीश के आगे तभी तो उसकी अहमियत बढ़ेगी। तो तुम राजी क्यों हो गई हो? मैंने प्रॉमिस किया था ना उसको, इसलिए मैं चलती हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो दानी, वो तुम्हें फंसा रही और तुम फंस रही हो। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है इजा, मैंने जो खोना था मैं ऑलरेडी खो चुकी हूँ, उसका भी बहुत कुछ स्टेक पे है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। मैं चलूँ तुम्हारे साथ? खबरदार, दुआ करो कि बस इतनी बेइज्जती हो जितनी मैं सह सकूँ। पागल हो चुकी हो तुम? आई नो, मैं जा रही हूँ। आ रही है ना? हाँ, मैंने बहुत मुश्किल से इन सबको बिठा कर रखा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अगर उसने पिक्चर दिखा दी तो कह देंगे कि फोटोशॉप है। साथ पेन लीजिए यार। दानी, किसने बुलाया उसे? किसी ने नहीं बुलाया। तुमने कहा नहीं था कि यहीं बुलाएं? भाई के सामने बात करनी थी, सोचो कैसे लेके जाएंगे सबको वहां। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता है। नहीं, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। मैं खुद जाके देखता हूं। अस्सलाम वालेकुम।